पहले भी बताया जब दोनों में क्रॉस होगा, यदि दोनों में माइनस होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। इसके तीन स्टेप है, तीनों बढ़िया समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको फर्स्ट में लास्ट से अठारह में एक से करेंगे तो कितना होगा, अठारह एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह बीच वाले पे सोचेंगे कौन कौन ऐसा अंक रख के गुणा कर दे कि अठारह आ जाए और जोड़ दे तो सात आ जाए, बोलो कौन ऐसा अंक रखेंगे। सर जोड़ दे कि गुणा कर, जोड़ने पर भी अठारह और गुणा करने पर भी 18। नहीं, जोड़ने पर सात मिले और गुणा करने पे हमको अठारह एक्स स्क्वायर मिले। यस। कौन ऐसा अंक रखेंगे जो क्या करेंगे, नौ में से सात गया दो, नौ दुना जो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 9x माइनस 2x और माइनस 18। अब देखो तो x स्क्वायर हो गया 9 में से 2x, 9x में से 2x घटा देंगे तो कितना बचेगा 7x बचेगा और माइनस कितना है 18, ये जो करते हो उतार दे। अब क्या करेंगे इसको दो पार्ट बांट दे, दो पार्ट बच गए। अब क्या करेंगे दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है x, तो x को बाहर ले लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 9, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 2, लिखेंगे माइनस 2, तो x प्लस क्या बचेगा 9, 9 दुना 18। अब इसको और इसको एक साथ लेंगे x माइनस 2 माइनस 2 और x प्लस 9, आंसर समझ में आया। फिर एक बार सुन लीजिए, अगर इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिए उसके बाद इसको फैक्टर करें, कर है ना गुणनखंड, गुणनखंड माने होता है उसको बांट देना, खंडन माने तोड़ देना, इसको हम तोड़ दिए हैं सात को दो भाग में, तोड़े हैं तो नौ और दो में टूटा है, नौ में से दो गया सात बच गया और नौ दूना अठारह आ गया हमारा, समझ गया। अब इसको हम दो पार्ट में बांट दिए, अब इस दो पार्ट में कॉमन कौन है इसको देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन में ये देखेंगे कि इसमें और इसमें एक जैसा होने, एक जाति का कॉमन हम पड़े हो ना, इसमें कौन सा है x है, तो x जब बाहर निकल गया तो इसमें पावर दो है माने दो x है, तो एक x निकल गया तो एक x बच गया, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, और इन दोनों में नौ और x दोनों है तो x निकल गया तो क्या बचेगा सिर्फ 9 बचेगा, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार दिए, अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, माइनस से माइनस नहीं उतारेंगे, पहले देख लेंगे कॉमन कौन है उसी के अनुसार लेंगे, तो कॉमन दो है, दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, तो दो एक अंदर उतार दिए और 9 दुना 18, तो ये एक्स जो बच गया यहाँ लिख दिए, ये माइनस, अब माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको और इसको एक साथ, इन दोनों में से सही होने की पहचान ये है जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इसमें भी आएगा, ठीक है। इसको और इसको एक साथ ले लिया और इन दोनों में से कोई एक ले लिया, अच्छा।